और राजधानी भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची का ऐलान कर दिया है। दूसरी सूची में 39 नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है और इस सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय टिकट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि ये पहली बार हुआ है जब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा के चुनाव में उतारा जा रहा है। तो बता दें कि बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स यानी कि उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और इसमें खास बात यह है कि बीजेपी ने इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया है। इसमें मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर और नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल और इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते को भी प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। सीधी से सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक यानी कि बंटी साहू को उतारा गया है और इसके अलावा बीजेपी ने पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। बता दें कि ये पहली बार हो रहा है जब बीजेपी ने इतना बड़ा उलटफेर किया है। बता दें कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा है बीजेपी ने। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस दूसरी सूची में 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं और बता दें कि इसमें खास बात यह है कि बीजेपी ने इस सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। इसमें मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और बता दें कि फग्गन सिंह कुलस्ते को भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये बड़ा उलटफेर बीजेपी ने पहली दफा किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से।